समझता क्या है वैभव अपने आप को? लॉक कर देने से क्या मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगी? अब समझाती हूँ उसको। मम्मी ले आई रोहित भैया को? नहीं आए ना? मैंने कहा था नहीं आएंगे। वो है ना माया भाभी, वो आने थोड़ी ना देगी। और हाँ, आप मिठाई लेकर गई थी ना, खाई रोहित भैया ने कि नहीं? खाई ना, खा ली उसने और बोला वो आएगा, जरूर आएगा। मेरा बेटा है, अपनी माँ को मना कैसे कर सकता है? कहीं लक्ष्मी माँ तो नहीं आ गई? उन्होंने कहा था पूरा परिवार साथ होना चाहिए, जो मेरा अब तक नहीं है। दीदी हा? आपके पास स्टोर रूम मेरे बेडरूम की चाबी है क्या? हाँ है। कुंभकर्ण टाइप लोगों के साथ ना यही किया जाता है। बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना मुझे रूम से निकाल के, अब लो उठना पड़ा ना। मुझे कुछ होता था तो हार्ट अटैक आ जाता मुझे तो। हार्ट अटैक आया तो नहीं ना? बाहर मम्मी जी इतना परेशान हो रही है और बेटे को यहाँ पे सोने से फुर्सत ही नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी मम्मी है वो, मुझे पता है वो अकेले क्या क्या कर सकती है। नहीं मानोगे ना ऐसे? नहीं माना तो लाइन पे रोहित भैया और माया भाभी को घर वापस लाने में उनकी मदद करनी पड़ेगी, और मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। अच्छा सुनो सुनो, भैया जल्दी चलो। भाभी रुको, रुको 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 रुको। हाँ ये बड़ा सूटकेस रख दो। हाँ अरे ये अब रुको, ये मैं रख। हाँ ये रख, ये ना पीछे रख लेना ठीक है, ये सामान ज्यादा जरूरी है। भाई क्यों, अरे ये सब चल क्या रहा है? ये सारे सूटकेस मेरी गाड़ी में क्यों डाल रही हो? इसमें इसमें तो आप दोनों का सामान है। सामान? हमारा सामान? हाँ, जो घर में आपके कमरे में पड़ा था, हम वो सारा सामान ले आए पूरा। अब आप दोनों ने तो डिसाइड कर लिया कि आपको घर वापस नहीं आना है, तो हमने सोचा हम आप दोनों का रूम ले लेते हैं। अरे इतना सारा सामान, मतलब सामान भरते भरते मेरा भरता बन गया। भाभी के सैंडल्स, मेकअप का सामान, आप दोनों कपड़े, इतना सारा कपड़ा छोड़कर कौन घर से भागता है भाई? वैभव इतनी तैयारी के साथ थोड़ी ना कोई घर छोड़ता है ना? घर छोड़ने की भी एक फील आनी चाहिए,
जो सिर्फ दो चार कपड़े पैक करने में आती है। क्यों भाभी? अरे खाली हाथ भागने का तो अपना अलग मजा है। अरे वो फिल्म याद है, कयामत से कयामत तक, मतलब आमिर खान और जूही, आहा पहाड़ों में दुनिया से दूर अकेले, अलग ही रोमांटिक माहौल बन जाता है ना। बस करो वैभव, ज्यादा हो रहा है। हाँ। छोटा वाला बैग कहाँ है? टैक्सी में शायद। अब ठीक है, मैं लेके आती। ठीक है वैभव, ये सब क्या मजाक चल रहा है? हम लोग अगर उस घर में नहीं रह रहे तो हमारा सामान भी निकाल दिया। भैया सेम मैंने श्रेया को बोला, पर क्या है ना, उसे तो खाली रूम दिख रहा है और वो हड़पना चाहती है बस। और फिर ऊपर से क्या हुआ ना, अब रूम हमारा हो गया है तो अपने रूम में कपड़े भी हमारे ही होंगे ना, इसलिए मैं आपका पूरा कपड़ा पैक कर ले आया। वो घर आज भी हमारा उतना ही है जितना पहले था, समझा? सेम सेम टू सेम मैंने श्रेया को बोला था, मान ही नहीं रही है। हाँ, एक बात और बोलूं, क्या है, मैंने श्रेया और पापा को ना कुछ बात करते देखा था, खुशबुस कुछ तो बात कर रहे थे वो प्रॉपर्टी के हिसाब के बारे में। मतलब अब मेरे रूम के बाद वो पूरा घर हड़पना चाहती है? भगवान जाने श्रेया और पापा के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अरे मतलब हम घर से बाहर क्या निकले, अभी हमारा हिस्सा भी जाएगा। भगवान जाने। क्या भगवान जाने, भगवान के नाम में कुछ बोल। मतलब श्रेया और पापा जाने। अरे क्या श्रेया और पापा जाने। वैभव ये रहा लास्ट बैग। हाँ। तो आप दोनों को घर भी आने की जरूरत नहीं है। हाँ। A to Z सारा सामान आ गया आपका पूरा। एक आ रख दूं अंदर। हाँ। अरे वैभव मैं तो भूल ही गई, चलो जल्दी चलो, हमें हमारा नया रूम भी तो डेकोरेट करना है। चलो चलो जल्दी। भाई भैया भाई भाभी ख्याल रखिएगा और कॉल तो जरूर करिएगा। हाँ। वीडियो कॉल करो तो और भी अच्छा। बेस्ट। चलो जल्दी चलो। बाय बाय। नहीं ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? ये हमारा प्लान काम करेगा ना? सालों बाद ऐसी नींद आई माँ। माँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, माँ तो साक्षात प्रवेश की थी घर में, मैंने बातें भी की माँ से, फिर कहाँ चली गई माँ? लक्ष्मी माँ बोलो। सविता जिसको चाहो मैं उसका भला, तुम ही इस दुनिया की चौसठ कला, श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम कला। मुझे लगा आप चली गई। तुम्हारी इच्छा पूरी किए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ सविता? हाँ माँ, अब तो एक एक करके मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आप जो आई है मेरी समस्याओं के पिटारे में से मेरे कर्जे की समस्या को दूर कर दीजिए माँ। आपके भरोसे हमने 15 लाख का कर्जा उठाया था, अब तो कर्जदार भी जीना मुश्किल कर रहे हैं, कोई तो चमत्कार कर दीजिए और ये 15 लाख का कर्जा उतरवा दीजिए। तुम्हें याद है सविता, जिस दिन पार्वती जी का शिव जी के संग विवाह था उस दिन वो भागी भागी मेरे और विष्णु जी के पास आई थी। क्यों आई थी माँ? क्योंकि उनकी माँ मैनावती शिव जी के अघोरी रूप को देखते ही मूर्छित हो गई, इसलिए पार्वती जी ने हमसे कहा कि हम उनकी इस समस्या का कुछ उपाय निकालें। तो आपने क्या उपाय निकाला माँ? फिर मैंने और विष्णु जी ने मिलकर शिव जी को एक नया रूप दिया, जिसके पश्चात वो संपूर्ण जगत में सुंदरेश्वर के नाम से विख्यात हुए। उनके इस रूप को देखकर मैनावती के मन को संतुष्टि मिली और उन्होंने उन दोनों के विवाह के लिए सहमति दी थी। अरे वाह, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन माँ, इस सब का मेरी समस्या से क्या लेना देना? चमत्कार तभी होगा सविता जब तुम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करोगी। जैसे
पार्वती जी ने किया था और वही व्यक्ति तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर पाएगा। कौन व्यक्ति, किसका चुनाव करना होगा माँ? सविता, सविता जी, क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है? खड़े खड़े अकेले खुद से बातें कर रही हो? ये पुराने कागज मैंने बोला था फेंकने के लिए, अभी तक वहीं पड़े हुए थे, फेंको इन्हें कबाड़ में। ये तो पुरानी कंपनी के शेयर्स है ना। अरे ये देखिए, 25 साल पहले जब वैभव पैदा हुआ था हमने नारायण बिल्डर्स के शेयर्स खरीदे थे, ये देखिए। अरे इतने पुराने, कंपनी कब की बंद हो चुकी है, रद्दी हो गए, फाड़ के फेंक दो इन्हें। हाँ आदित्य बोलो, कहाँ पहुंची क्या? अरे मैंने बोला था ना पहुंच के फोन करना, अभी कर रही हो। हेलो 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 दामाद जी, ये कुछ बेकार के कागज है, इन्हें फाड़ के फेंक दीजिए। क्या कर रही हूँ? नमस्ते लाला जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वैभव तुम्हारा फोन बज रहा है, उठो। वैभव हेलो। हेलो मिस्टर, वैभव से बात हो सकती है? जी वैभव तो अभी किसी काम में बिजी है, अब मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। जॉब इंटरव्यू 5:00 PM, ऑल राइट आई विल इन्फॉर्म हिम। मिस्टर लेट लतीफ आलसीराम उठो, हमारा जॉब इंटरव्यू है, तैयार हो जाओ। ओ वैभव, वैभव उठो। अरे यार मैडम को कभी भी कॉफी पीना होता है, अब क्या करें। श्रेया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे कोचिंग जाना है ना तो लेट हो रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, सासू माँ ने कुछ फाइल्स दी है, इसका कोई काम नहीं है पेपर का, हाथ खाल डस्टबिन में डालना है ना, हो जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरा कॉफी गंदा हो रहा होगा, क्लास शुरू हो रहा होगा, जाना जरूरी है। थैंक यू थैंक यू। तो समझ गए ना लाला जी? ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? 15 लाख एक दिन में? जी हाँ लाला जी, ये सब हम अपने मन से नहीं कह रहे, आपके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास। अगर 24 घंटे में आपने 15 लाख रुपए लौटा दिए तब तो ठीक, वरना दुकान के साथ साथ आपका ये मकान भी नीलाम हो जाएगा। क्या हुआ लाला जी, आप तो घबरा गए। अरे आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं, और भाभी जी है ना आपके साथ, देवी माँ की परम भक्त। आप ऐसा करिए, आप भाभी जी के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना करिए, क्या पता देवी माँ प्रसन्न होकर खुद प्रकट हो जाए और आपके हाथ में 15 लाख का चेक दे दे। हाँ चलिए। भाभी ये लीजिए जो आपने फूल मंगाया था। पंद्रह लाख एक दिन में कहां से ले आऊं? लक्ष्मी माँ क्या बोल के गई वो भी समझ में नहीं आया।
25 साल से बंद पड़े नारायण कंस्ट्रक्शंस के सारे शेयर्स को उदय कंस्ट्रक्शंस ने खरीदा। दामाद जी, दामाद जी। अरे रुको। हेलो। हाँ सासू माँ। मैंने जो आपको कागज दिए थे फाड़ के फेंकने के लिए, आपने वो फाड़ के फेंक दिए? हाँ, हम तो श्रेया जी को दे दिए, कोचिंग में आने में लेट हो रहा था ना। क्या, श्रेया को दिए? अभी तक तो वो आपका काम कर दी होंगी, पेपर जो है जल के मिट्टी में मिल चुका होगा। उसके आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना कर सकती हैं। क्या किया तुमने? मम्मी जी, जीजा जी ने बोला था कि आपने उन्हें बोला कि पेपर्स फाड़ के फेंक दे। हे भगवान, माँ लक्ष्मी खुद सर पे हाथ रख रही थी और हमने उनका हाथ झटक दिया, गया मौका हाथ से, हम तो बर्बाद हो गए। पेपर में छपा है नारायण कंस्ट्रक्शन को किसी और कंपनी ने खरीद लिया और अब उनके पुराने शेयर्स आसमान छू रहे। ये वही शेयर्स है जो 25 साल पहले हमने खरीदे थे, आज इनकी कीमत 20 लाख तक हो सकती है। माया, ये चाबियां तुम्हारे पास कहां से आई? अब वो मैंने मम्मी जी के कमरे से ली, मुझे ना कुछ जरूरी सामान चाहिए था तो। ये चाबियां सविता के पास रहती हैं, पूछा तुमने उससे? नहीं, आगे से बिना पूछे मत लेना। इसमें पूछने वाली क्या बात है दादी, मैं भी तो इस घर की बहू ही हूं ना। जब मम्मी जी शादी होके आई थी तो ये चाबियां आपने उन्हें सौंप दी थी, अब आपको नहीं लगता कि ये चाबियां मम्मी को मेरे हवाले कर देनी चाहिए? बेटा, ये गुच्छा ना गृहस्थी की निशानी होती है और गृहिणी के हाथों में सौंपा जाता है, और गृहिणी गुणों से बनती है, ना कि सिर्फ सात फेरे लेने से। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहती हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं तो फालतू हूँ। नहीं, हमारी नजरों में तो तुम्हारा बहुत मोल है, पर तुम्हारी नजरों में किसी का कुछ भी नहीं। ये चाबियों का गुच्छा देख रही हो? इसमें छोटी बड़ी सब तरह की चाबियां हैं, और इसे संभालने वाला ना इसमें कोई फर्क नहीं करता, इसे संभाल कर रखता है एक साथ, जैसे परिवार को रखा जाता। तुम रख पाओगी तो ले लो। एक दिन में पता चल जाएगा कि सविता इतने सालों से इस घर के लिए क्या क्या कर रही थी। अरे दादी, माया, क्या हुआ? क्या होगा, अब दादी से भी सुन रही हूँ कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, लगता है मेरे चेहरे में भी ना सबको तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा है, और दादी आपका पोता नालायक है, मैं नहीं। तुम्हारी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं इस घर में, और तुम्हारे साथ रह रहे के मेरी भी बिगड़ती जा रही है। दुकान बच गई। सच? हाँ अम्मा, सबके पैसे लौटा दिए, रूपचंद के, कर्जदारों के, अब सर पे कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो गया अम्मा। एक बार तूने
फिर से इस घर की नैया डूबने से बचा ली बेटा। नहीं अम्मा, ये सब लक्ष्मी माँ ने किया है। उनके आते ही उन्होंने सब ठीक कर दिया। उसके आते ही कहाँ आई माँ लक्ष्मी? मेरा मतलब है, माँ अपने भक्तों के पार लगाती है ना, तो वो जब आती है सब ठीक कर देती है। उन्हीं की कृपा है माँ। रोहित, रोहित तूने आज की खुशखबरी सुनी? हमारी दुकान खुल गई बेटा। बहुत अच्छा हो गया। अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे खुशी नहीं हुई? यही तो हम सब चाहते थे ना, इसी के लिए तो पूरा परिवार लड़ रहा था। परिवार जैसा अब कुछ है क्या मम्मी? अरे तुझे क्या हुआ है? आज तक दादी ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, आज उन्होंने भी मुझे सुना दिया। ना जाने जब से ये रोहित जेल से घर आया है, तब से तो ये घर अपना ही नहीं लगता। और भाभी, और सोचिए ये सब किसके आने के बाद से हो रहा है? श्रेया के। हाँ पर ना पहले तो आप ही का रुतबा था ना, जैसे सविता आंटी माया बहू करती थी, पर अब देखो जैसे ही नई बहू आई ले गई सारी लाइमलाइट। ट्रस्ट मी भाभी, ये सब मैं श्रेया से कोई दुश्मनी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी केयर करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। यू नो व्हाट, पहले तो मैं एकदम जल्दी थी, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके तौर तरीके, वो सब देख कर ही तो मैंने अपने आप को बदला है। आप मेरी रोल मॉडल हो, इसीलिए आज आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और आपको पता है आज आपको दुकान पे होना चाहिए था। सविता आंटी कैसे श्रेया पे अपना प्यार बरसा रही थी, और देखिए आखिर में दुकान खुलने का पूरा क्रेडिट कौन लेके गया? उनकी प्यारी बहू श्रेया। वो सिर्फ फेवरेट बहू बनकर ही नहीं रुकने वाली, जिस तरीके के उसके लक्षण है ना, मुझे तो लगता है कि कहीं वो आप लोगों को घर से ही ना निकलवा दे। भाभी इसीलिए बोल रही हूँ, अपनी स्टाइल में आइए, अपना सिक्का जमाइए, और सबसे पहले तो श्रेया को रास्ता दिखाइए। ये तुम क्या बोल रही हो? जैसा भी है मेरा घर है, वैभव देवर है मेरा, मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम रहने दो। अरे भाभी। तो फिर कर लूं बुक कल की मूवी टिकट्स? हाँ डन। परफेक्ट। कॉर्नर सीट? कॉर्नर सीट? अच्छा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मिस्टर वेबर, मैं सिर्फ हम दोनों की नहीं सबके लिए टिकट्स कराने की बात कर रही हूँ। सब तो साथ में जाएंगे ना? ठीक है। अच्छा वैभव, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? कौन सा इंटरव्यू? कौन सा मतलब, जो होना था ना आज, तुम गए नहीं देने? उनका कॉल आया था जब तुम सो रहे थे, तो मैंने नोट लिख के वहाँ पे छोड़ा था। हाँ हाँ। तुमने पढ़ा नहीं? नहीं नहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है श्रेया, वो वैसे भी बहुत दूर था ऑफिस, मतलब 1.5 घंटे चल के कौन जाता डेली। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वैभव? हमने लाइफ को कभी सीरियसली लोगे या नहीं? यार तुम चिल्ला क्यों रही हो, आराम से चल। क्योंकि तुम जागते हुए भी सोते हो। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें वैभव कि अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लो, सोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भी नौकरी मिली है क्या तुम्हें आज तक, जो तुमने नौकरी को रिजेक्ट कर दिया? तुम्हें जाना चाहिए था ना वैभव। श्रेया आराम से रिलैक्स। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मैं बात करूंगी ना माया से, और अम्मा की बात का क्या बुरा मानना है? मुझसे क्या बात करेंगी आप, पहले जरा बाहर जाके तो देख लीजिए आपकी लाडली बहू कैसे इज्जत उतार रही है सबके सामने आपके बेटे की। रिलैक्स, रिलैक्स तो तुम कर रहे हो, और कुछ ज्यादा ही रिलैक्स कर रहे हो। लाइफ को इतना भी लाइटली मत लो वैभव, लाइफ कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मुझे पता है क्या करना है, ज्यादा भड़को मत, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा। दिमाग मत खाओ मेरा ज्यादा।
ऐसा क्या है जिसे दूध पिलाते ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या हो सकता है? ये है मां की पहेली का जवाब। पर दूध ही क्यों? पानी डालने से भी आग बुझ सकती है। मां ने दूध ही क्यों बोला होगा? सविता जी, जी जी बस हो गया, आपका टिफिन तैयार है। आज आप कितने दिनों बाद दुकान जा रहे हैं, अब देखना सब अच्छा ही होगा। ये दूध में बिल्कुल स्वाद नहीं है, ये दूध वाला चेंज करना पड़ेगा। शहर में एक नया दूध आया है, ज्वाला, ज्वाला सिंह। कुछ दिन वो इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो आज दुकान पर ना एसोसिएशन वाले आने वाले हैं, तो ये एक आदमी का खाना नहीं, तुम 5-6 आदमी का खाना बना के मुझे भेज देना। ओ, अब समझी, मतलब ज्वाला सिंह के यहाँ रोहित का काम बन सकता है। लक्ष्मी माँ ये कहना चाह रही थी शायद, पर वहां मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चली जाऊं, ऐसे थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। पर माँ ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा, उनके चमत्कार वही जाने। सविता, सविता जी, ध्यान कहाँ है? सुना मैंने क्या कहा? हाँ तो भेज देना, चलता हूं। क्या कह गया, मेरा ध्यान भी नहीं था। अरे टिफिन, अरे आज मेरा हीरो जल्दी उठ गया, क्या बात है। वैभव एक काम करेगा, तेरे पापा के पीछे जाना, वो कुछ कह रहे थे लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, तो पता कर क्या कह रहे थे। और सुन, ये टिफिन भी भूल गए, ये भी देता जा। ठीक, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इन सब में वैभव को बुरा लगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाभी उसे थोड़ी देर बुरा लगेगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। Trust me, आप उसका मत सोचिए, आप दूर की सोचिए। अभी आप ये देखिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वैसे आपको किससे डर लगता है? श्रेया से? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, और उस श्रेया से तो बिल्कुल भी नहीं। वो आके डिसाइड नहीं करेगी कि मेरी लाइफ में क्या होगा, बल्कि अब से मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी लाइफ में आगे क्या होगा। ये हुई ना बात। भाभी उल्लू। नमस्ते लाला जी। नमस्ते, खोल दे। पापा ये टिफिन। हाँ ला भाई। माया, भाभी, माया क्या हुआ? पैर मुड़ गया, वो तो अच्छा हुआ साथ में प्रीति थी, संभाल लिया इसने, नहीं तो आज मैं कार के नीचे आ जाती। थैंक यू, शुक्रिया बेटा। इट्स ओके अंकल, हमारे बीच में जो भी हुआ वो बात अलग थी, अभी भाभी की जान खतरे में थी तो कैसे नहीं बचाती। वैभव हेल्प करो ना। वैभव बेटा माया को घर पे छोड़ के आ जा। जी बाबा। माँ, आप अपने भक्त सविता जी को इस बात का आभास क्यों नहीं करा रही? उन्होंने जो आशा अपने पुत्र से कर रखी है वो उचित नहीं है।
सविता जी क्यों नहीं देख पा रही तो उनका पुत्र रोहित लोभ से ग्रसित है। वह कहीं लोभ की वजह से अनुचित कार्य न कर दे जिसके परिणाम स्वरूप ये परिवार फिर से समस्याओं से घिर जाएगा। माँ, गांधारी को भी ज्ञात था कि धर्म के मार्ग पर तो केवल पांडव ही चल रहे थे, किंतु उसने अपने आंखों की पट्टी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही खोली थी, जब उसे अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र समान सशक्त करना था ताकि कोई भी अस्त्र उसके पुत्र को हानि न पहुंचा सके। माँ का हृदय सदैव अपने संतान की भलाई देखता है, परंतु कभी कभी मोहवश वह यह नहीं देख पाती कि उसके संतान की भलाई किस दिशा में है। सविता को भी इसी मार्ग पर चलकर अपने मुंह को वश में करना सीखना होगा और अपनी आंखों से इस अंधकार की पट्टी को स्वयं उतार फेंकना होगा। केवल मेरे बताने या सिखाने से वो इस क्षण कुछ नहीं समझेगी। मोह में फंसी तो आप भी हैं माँ, अपने प्रिय भक्त सविता जी के, इसलिए तो आप भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं नहीं, आपके पिताजी ने नेक दिया था शादी में जीजा का, अब नहीं चाहिए। अरे ये आपके लिए नहीं, ये मैं किसी और काम के लिए दे रही हूँ, लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपके पैसे बादाम भी नहीं खरीदूंगा मैं, सासू माँ जानेंगी तो डांटेंगी। सुनिए तो, ये आपकी मतलब हमारी, हम दोनों की सासू माँ मम्मी जी के लिए दे रही हूँ। उनकी सैंडल टूट गई है और नया तो वो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि खुद पे तो खर्चा करती ही नहीं है। यस यू आर राइट, सासू माँ तो अपने लिए कभी सोचती ही नहीं, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आप सबसे पहले सासू माँ के लिए सोची। अब देखिएगा कितना मजबूत सैंडल लाएंगे, लंबी चलेगी। हाँ। क्योंकि इस घर के लिए सासू माँ का लंबा चलना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। एकदम कमाल की चॉइस है गुरु, मस्त है, सासू माँ पे जचेगी, बजट में भी है। ए भाई बैक कर, सुन वीडी, वीडी, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे तुम दो दिन से कॉल कर रही हो, उठा नहीं रहे, वीडियो कॉलिंग कर रही हो, अटेंड नहीं कर रहे हो। मुझे लगा कि 18 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ शॉपिंग कर रहे हो। हाँ ओ, घर का कुछ जरूरी सामान लाना था ना, इसीलिए शॉपिंग करने आ गया। ऐसे हम 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, टफ है ना। अच्छा क्या जरूरी सामान दिखाओ। हाँ? हाँ नहीं, लेडीज चप्पल, ये लेडीज चप्पल किसके लिए खरीदने आए हो? जाहिर सी बात है कि लेडीज चप्पल है तो किसी लेडीज के लिए ही होगी ना। मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं पकड़ा गया तो अर्ज किया है, मूड हो तो मुलाजा फरमाइए। बड़े बड़े दाग भी पानी से धुल जाते हैं, छोटे छोटे राज कभी कभी खुल जाते हैं। कैसा राज? सरप्राइज। सरप्राइज। अरे ये चप्पल मैंने तुम्हारे लिए तो लिया था, इसीलिए मैं आपको फोन नहीं उठा रहा था कि मिल के गिफ्ट दूंगा, लेकिन आप होगी पूरा सरप्राइज का मूड ही ऑफ कर दिया। ये चप्पल आपने मेरे लिए खरीदा? बहुत क्यूट हो तुम, अभी पहन के ट्राई करूं? अरे नहीं नहीं, अभी अरे यार ये सासू माँ की चप्पल यही गंदे कर देगी, उन्हें कैसे दूंगा? बहुत सुंदर है। सुंदर है लेकिन आप पे सूट ही नहीं कर रहा। अब यही पहन के जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, साइज परफेक्ट है, लेकिन उतारो उतारो, तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे लेकिन मुझे पसंद है। अरे बहुत सुंदर है, पुराने जमाने का लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसको उतारो, बिल्कुल अच्छा नहीं। इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके दूसरा लेते हैं। अरे बीडी, अरे दूसरा लेते हैं ना। ए भाई बताओ, पार्टी रोहित भैया की थी और सेलिब्रेशन वैभव की हो गई, मतलब उसने तो पार्टी का रुख ही बदल दिया। अरे रोहित भैया तो साइड में ही खड़े रह गए, पूरी पार्टी की सारी लाइमलाइट कौन ले गया? वैभव। ये श्रेया भी ना कमाल है, उसका दिमाग एक ही चीज में चलता है कि कैसे हर चीज घूम के श्रेया वैभव पे आ जाए। और अभी तो ठीक है भाभी, सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, पर मुझे तो डर है कि कहीं आगे जाके हर चीज में ही ऐसा ही करेगी।
फिर चाहे वो घर वालों का प्यार हो या प्रॉपर्टी, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। पर भाभी, पैसा प्रॉपर्टी वो भी कुछ भी नहीं है, सबसे कीमती होती है रिस्पेक्ट। और श्रेया, आप लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलने दे रहे इस घर में। मैं तो कहती हूँ भाभी, आप ही को कुछ करना होगा। वैभव, श्रेया, माता के आगे माथा टेक लो। वैभव, तू और तेरे पापा नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हर नए काम की शुरुआत माँ के आगे सर झुका के ही करनी चाहिए। आप भी आइए। चलिए। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम जाके लगाओ इनकी हाजिरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर इनकी इतनी कृपा होती हम पे तो मेरा इतना बड़ा मजाक ना बनता, समझी? तुम जाके इनके सामने हाथ जोड़ो, मुझे माफ करो। और श्रेया, तुम्हारा तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुमने क्या किया बेटा? वैभव को दुकान पे ही बैठा दिया। पिछली बार तुम्हें कुछ बोल नहीं पाया। सविता रेलगाड़ी की तरह दौड़ती है, और रूपचंद ने शादी की शर्त ये रखी थी कि वैभव ही दुकान पे बैठेगा। डैडी जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वैभव दुकान पे बैठेगा भी तो? 15 लाख खर्च करके मैंने उसे MBA इसलिए नहीं बनाया ताकि वो एक हलवाई की दुकान पे बैठे। वो तुम्हें 10वीं फेल को भी बैठा सकता था। मेरे दोस्तों के बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख के भी सिर्फ एक हलवाई बन गया? अपने मेरा भी सपना था कि इस हलवाई की खानदान से कोई ऐसा निकले जो सूट पहन के टाई लगा के ऊंची बिल्डिंगों में काम पे जाए, और मेरा वो सपना वैभव को पूरा करना है। किसने कहा आपका ये सपना वैभव पूरा नहीं करेगा? पर अब कैसे पूरा होगा सपना? टाई लगवा के नमकीन तलवाऊं उससे? डैडी जी, दुकान पे बैठ के भी नौकरी तो ढूंढेगा ही, और मैं उसे सिर्फ बैठने के लिए दुकान पे नहीं भेज रही, उसे सुबह बेड से उठाने के लिए भेज रही हूँ, अपना एक लाइफ का रूटीन बनाने के लिए भेज रही हूँ। और आपको तो पता ही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ता है, यहाँ पे तो ये जनाब की सुबह ही 12 बजे होती है। डैडी जी, यहाँ से शुरुआत करेगा तब जाके वहां तक पहुंचेगा ना। और क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसमें है वो बात, बस वो ढूंढ नहीं पा रहा है कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है। पर एक बार ढूंढ लेगा ना, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब आजकल तो पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, फैशन डिजाइनर्स कुछ भी बन सकते लोग, लेकिन तब तक खाली नहीं बैठ सकते ना डैडी जी। और डैडी जी, इसमें आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। अब वैभव सिर्फ मेरा कहना तो मानेगा नहीं, आपको भी उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। कमाल है, मैंने तो सोचा ही नहीं कि तुम इतनी दूर की सोच रही हो। शुक्रिया बेटा। और ये पेंटर, फोटोग्राफर, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो एक बड़ी ऑफिस में बड़ी नौकरी करे, कम से कम वहां उसका फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा। आज पहली बार वैभव को लेकर निश्चिंत महसूस कर रहा हूं मैं, और ये सब तुम्हारी वजह से। एक तुम ही हो जो उस गधे को लाइन पर लेकर आ सकते हो। तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं जो ये काम कर सकता था, उसकी मां भी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.